वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, आदाब, नमस्ते। पीछे तक सुनाई दे रहा है? ओके, सो द सिटी पुलिस एज पार्ट ऑफ इट्स कम्युनिटी रीच प्रोग्राम has been doing these job melas for many years now, and in all these job melas there were used to be the job mela for men and women together. A few months back we thought that to make it easier for girls hum log sirf akele mahilaon ke liye job mela karenge, aur wo pehla job mela hum logo ne she team ki taraf se organize kiya tha जिसमें 5000 से प्लस लड़कियां आई थी, और पहले दिन करीब 700-800 लड़कियों को जॉब का अपॉइंटमेंट मिला था। एंड आज आई कॉन्ग्रेचुलेट डीसीपी साउथ जोन फॉर डूइंग द सेम थिंग इन द साउथ जोन, जहां पे आज आप लोगों को सिर्फ लेडीज के लिए वी हैव डन दिस, ही हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस जॉब मेला। आई वॉज इंटरेक्टिंग विद सम ऑफ द गर्ल्स, those who have come from the job, जो अभी वहाँ पे बैठ के अभी लाइन में है कुछ, also with some of the ones who have already got appointment letters, already 21 girls have already got appointment on the stop letter already, plus also with some of the girls who are working, who were actually recruited in a job mela earlier. For all of us, especially for women, the need for being financially independent, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद पैसे का रिक्वायरमेंट ना हो, आप ये बोले कि घर में ना कोई काम करता है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, या हमें फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की शायद जरूरत ना हो। बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होंगी, बहुत सी हैं जिनको सपोर्ट करना भी होगा, बट अल्टीमेटली जो एम है वो वही नहीं है। ऑल्दो इट इज गुड इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, एकदम लाइफ बदल जाती है। मैं आपको अपने उस एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि एक बारी जब नौकरी मिली और एक बारी जब पहली तनख्वाह अपने हाथ में आई, तो उस दिन ऐसा लगा कि इतना फ्रीडम मिल गया कि आज के बाद हमें माँ बाप से पैसे नहीं मांगने, चाहे वो किसी चीज के लिए भी हो। और उसी तरह से हर महीने जब सैलरी आती है या अपना सैलरी है, तो हस्बैंड से नहीं मांगना पड़ता, पूछना नहीं पड़ता कि आज जाके सूट खरीद ले या ना खरीद ले, पैसा दे दो या ना दे दो, या कल कुछ घर का सामान खरीदने के लिए भी पैसा लेने का जरूरत नहीं पड़ता। सो द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इट गिव्स यू, एक कॉन्फिडेंस, जो अभी मैं बात कर रही थी यहाँ पे लड़कियां खड़ी हुई हैं जो TMI में काम कर रही हैं, इट चेंजेस यू। पहली बात तो यू मूव आउट ऑफ द हाउस, आप बाहर के माहौल में जाती हैं, आप एक किसी दफ्तर में काम करती हैं, आपको एक अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, एक अलग चीज करने का मौका मिलता है, आपको और लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और सबसे पहले बात तो वहीं से शुरू होती है कि आप वहां से ट्रैवल करके ऑफिस तक पहुंचेंगी। ये सारी चीजें स्पेशली लड़कियों के लिए हर स्टेप बहुत ज्यादा एम्पावरिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अपने घर में रहते हैं, हम लोगों की लाइफ बहुत प्रोटेक्टिव होती है। और वो इसलिए भी होती है बिकॉज यू नो पेरेंट्स आर अफ्रेड, एवरीबॉडी, वी आर, लड़कियों को सब लोग बड़ा संभाल के अपने घर में रखते हैं। सो हम लोगों को अपना, जिसे कहते हैं ना कि योर विंग्स टू फ्लाई, और वो जो ग्रोथ है वो नहीं मिल पाती है जब तक आप घर से कदम बाहर ना निकलें, तब आप अपनी पर्सनालिटी को सामने ला सकते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन शो व्हाट योर वर्थ इज, दैट इज द टाइम व्हेन यू लर्न आल्सो। जब बाहर निकलेंगे, रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसको ओवरकम भी करेंगे,
पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी। आपने कभी जो काम सोचा नहीं होगा वो आप करेंगे, वो करने से यू विल यू नो दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इट विल गिव इट टू यू। सो इट्स नॉट ओनली विच इज सपोर्टिंग योर फैमिली विच इज वेरी एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड। इट इज वेरी एसेंशियल दैट एक आदमी की सैलरी से घर नहीं चलता और इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव योर सोशल स्टेटस, इट इम्प्रूव्स हाउ, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज योर पर्सनल ग्रोथ, द वे इट इम्प्रूव्स यू एज अ पर्सन, इट हेल्प्स यू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। बहुत हमारे पास भरोसा सेंटर में और यहाँ वुमेन पुलिस स्टेशन में है बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हर रोज हमारे पास आती हैं। शादी के बाद प्रॉब्लम्स हैं, शादी से पहले भी प्रॉब्लम्स हैं, सो मेनी ऑफ देम कम टू अस। और कई बार बहुत लड़कियाँ सामने इसलिए भी नहीं आती क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई है पर अगर आपके पास कोई और साधन नहीं है जीने का, तो ना आप पेरेंट्स पे वापस जाके बोझ बनना चाहते हैं और आप फिर उसी रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते हैं डिस्पाइट व्हाटएवर प्रॉब्लम्स। सो नंबर ऑफ टाइम्स द गर्ल्स हु कम टू अस डू नॉट दे लिव एग्री टू लिव इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप ओनली बिकॉज दे हैव नो अदर सोर्स, नोवेयर एल्स टू गो। तो हमारी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस हम नहीं कर पाते हैं जब तक हमें इंडिपेंडेंट हमारे पास ना हो। हमारे पास इट्स नॉट टू से दैट जॉब होना इसीलिए जरूरी है कि हमें कोई झंडा खड़ा करना है, हमें कोई फैमिली ब्रेक करना है, इट्स नॉट दैट। इट इज दैट यू आर मोर इन्फॉर्म एंड यू आर एबल टू टेक डिसीजंस विच आर राइट फॉर यू एंड यू हैव अ केपेबिलिटी टू लिव योर लाइफ द वे यू वॉन्ट टू लिव। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड it will also important that if you are empowered your next generation will also be empowered। aap agar khud kaam karti hain, aapne agar khud duniya dekhi hai to aap apne bachcho ko bhi, chahe ladka ho ya ladki ho, aapka ek horizon, aapki ek understanding jo broaden hoti hai usse aap apne bachcho ki parvarish bhi better kar sakte hain aur unko bhi zyada duniya mein better citizen bana sakte hain। so ये जॉब मेला जो हम लोग कर रहे हैं ये इसी उससे है कि आपको एक इजियर तरीका, एक कंफर्टेबल वे में आप आके देख सके। आज आप जब यहाँ आएंगे आपने बहुतों को मिलेगा जॉब, कुछ लोगों को नहीं भी मिलेगा। तो एक तो ये बात मैं सबको बताने के लिए कि हम लोग सबका जो भी आज आए हैं उन सबका डेटाबेस जो हमारी रिक्रूटिंग एजेंसी है वो मेंटेन करती है। तो अगर किसी और कंपनी को आपका प्रोफाइल सूट करता है सो दे विल गेट इन टच विद यू। इट्स नॉट दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग रिक्रूटेड टुडे यू विल नॉट गेट रिक्रूटेड। वी आल्सो हैव अ कंपनी हियर अपोलो फार्मेसी जो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो दे इम्पार्ट स्किल्स टू यू ताकि आप यू बिकम एम्प्लॉयबल। ऑल्सो वेन यू कम हियर यू कैन सी दैट वॉट टाइप जॉब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट and therefore what type of education or skills you need to develop। and almost every month city police kahin na kahin pe job mela karti hai and you are free to come and your database now where it will be going to different companies so directly also they will be getting in touch with you। So I am extremely grateful and thankful साउथ जोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। और आप सबसे यही गुजारिश है कि जिनको आज नहीं भी मिलती है नौकरी डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ऑल दीज कंपनीज एंड मेनी मोर विल हैव योर रिकॉर्ड सो प्लीज कीप ट्राइंग एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट डू अ जॉब एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू ड्रीम एंड ऑल्सो जो जिंदगी में एक एम जरूर बना के रखें और उस एम की तरफ वर्क करें। ये ध्यान रखें कि ऑटो से लेके हवाई जहाज, और हवाई जहाज क्या सिर्फ अंतरिक्ष में जो हमारे गए हैं उसमें भी विमेन साइंटिस्ट का बहुत रोल है।
तो आज के जमाने में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और आप लोग सब कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आज आप लोग जितने लोग यहाँ आए हैं सभी को सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और सिटी पुलिस के तरफ से ये हम लोगों का एक जो वादा है कि विमेन सेफ्टी के लिए हम लोग हर समय कमिटेड हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक सर्वे होता है जिसके तहत इंडिया में जो बड़े बड़े सिटीज हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कैलकाटा, इन सब सिटीज के कंपैरिजन में हैदराबाद सेफेस्ट सिटी है इंडिया में। और जब सेफेस्ट सिटी है तो इसीलिए यहां विमेन को, महिलाओं को, खवातीन को नौकरी करने के लिए ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा एनकरेजमेंट है, और इस फैसिलिटी का आप लोग फायदा उठाएं। और अपने घर में आपके जितने छोटे बच्चे हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। उनको सही टाइम पर खाना मिल रहा है कि नहीं, उनको बुक्स, उनको बाकी सब चीज का फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं। जिसको डेमोक्रेसी का सही मतलब वही होता है जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, सबको समान मौका, चाहे वो मर्द बच्चा हो या औरत बच्चा हो, सबको बराबरी मिलना मिलना ना मा? एक बार जोर से बोलो फिर। यस, सबको बराबर का मौका मिलना, और देश का हर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बराबर का हक है सबको, और बराबर काम करने का सबको मौका मिलना चाहिए। तो सिटी पुलिस के तरफ से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कौन सी नौकरी आप शुरू कर रहे हैं ये उतना ज्यादा माने नहीं रखता है, आप शुरू कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भी बड़ा सफर हो, 1000 किलोमीटर का सफर हो, लेकिन उसकी शुरुआत पहला कदम से लग होता है। आज आपका ये फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है, आगे लंबा सफर है, और आप सब बहुत अच्छे तरीके से मुकाम को हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं DCP साउथ जोन और सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, TMI को खास करके मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत से इतना अच्छा काम किया। TMI के जो मुरलीधरन साहब हैं, वो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत मदद करते हैं सबको। और संदीप है यहाँ, संदीप के लिए एक बार सब लोग बहुत जोर से ताली बजाइए। एंड एक बार ऑल विमेन ऑफिसर्स रणवीर का ये लोग, इनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। And all the dear friends, very congratulations to all the persons who got selected through Job Mela. We are very thankful for giving this opportunity and providing a better opportunity for all the girls who are searching for this kind of opportunity to get a chance to represent their skills in front of all, to represent their qualities and all the computerized skills. What they have gained during their pursuing, what they have gained during their studying, they have represented their skills in front of the recruiters and all the HR representatives, and they got the qualities which they are searching in the candidates. So I wish and I congratulate each and every candidate. And जिसे को नहीं मिला वो disappoint होने की बात नहीं है, जैसा CP सर ने कहा है, first step लेना ही सबसे बड़ी बात है। एक फर्स्ट स्टेप रहा, आगे और स्टेप लेने का आपने को चांसेस जरूर मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट सेलेक्टेड इन पुलिस डिपार्टमेंट इन 2020 बैच। मायसेल्फ नाजिमा सुल्ताना, आई वर्क एट वुमेन PS साउथ जोन। बेसिकली आई एम फ्रॉम मेडिसिन बैकग्राउंड, आई हैव डन माय बी फार्मेसी फ्रॉम डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी। So I was doing a pharmacist job before getting into this field. I have no idea that I will be as a police officer right in front of you all. And
to my good luck that I got posted in a women's police south zone. So I was very happy that I'm going to serve for the women police officers. And moreover, here we are going to help only women, women who are dealing with their problems in their life. So here also we got the She Team help desk. And moreover, when we got to know about the job mela that we are going to conduct at Women PS South Zone, so when Chanakamma Madam, Associate Madam has allotted the duties to everyone, we moved forward with full-heartedly to fulfill our duties. Each and every women police officers went to various places, various the girls colleges to invite for this job mela to bring awareness about this better opportunity. Everyone has done very well, and myself have moved to various girls, especially particular girls and women colleges, to invite for this job mela. I have visited Husaini Alam College, Sri Gayatri Colleges, and many more places where I'll get the better opportunity to speak with various women. So I'm very thankful that I have joined as a police officer and serving for the women. Thank you so much. मेरा नाम हबीबू निसा है. मैं कार्मी में सेलेक्ट हुई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सेलेक्ट हो गई और शॉर्ट लिस्टेड हो गई. मेरे को नहीं मालूम था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही सेलेक्ट हो जाती हूँ मिलकर, पर यह मेरा पहला इंटरव्यू था और मेरे को मालूम भी नहीं था कि मैं शॉर्ट लिस्टेड भी हो जाती हूँ मिलकर, और मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू. एंड मैं भी शॉर्ट लिस्ट हो गई. मैं भी बहुत खुश हूँ फॉर दिस जॉब इंटरव्यू. फर्स्ट इंटरव्यू I got the shortlisted, and thank you for this opportunity. Good afternoon. Myself Nazima Sultana. I'm presently working at Women PS South Zone. आज 20th नवंबर आज ही के दिन हमारे पास वुमेन के लिए जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया गया है जो हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं. इसके ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है. बहुत सारे कंपनीज़ यहाँ पे आए हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनीज आए हैं और बहुत सारे वुमेन्स को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं ऑलरेडी. और वो बहुत वो बच्चियाँ वो बहुत ज़्यादा फ्रेशर है और लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिला ये टाइम पे जो लोग अच्छी तरह से आगे एक्सेल कर सके उन लोग के करियर में. और उन लोग ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके उन लोग को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है. सीपी सर वो अपॉइंटमेंट लेटर रिप्रेजेंट किए हैं वो लड़कियों के लिए, और वो लड़कियाँ सारे बहुत खुश हैं ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए. क्यों जो ये जो वो अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन लोग को जो चांस मिला है वो उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार हैं. सो मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूँगी जो गर्ल्स है जो एक अपॉर्चुनिटी ऐसा चाह रहे हैं कि आगे कुछ मिले वो, लेकिन प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ जॉब मेलास कंडक्टेड बाय पुलिस डिपार्टमेंट. थैंक यू.